आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ में है। वही मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और नॉर्थ इंडिया में पश्चिमी विक्षोभ आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश का मौसम फिर बदल सकता है और एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। वही हम बात करें तो अभी पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उससे लगे पाकिस्तान पर बना है। इसकी वजह से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में एक प्रेरित चक्रवात बन गया है और इन्हीं वेदर सिस्टम की वजह से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। वही बुधवार को राजधानी भोपाल में 31.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, ये सामान्य है। वही जबकि मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान से भी कम तापमान था। वही न्यूनतम तापमान में 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और राजधानी भोपाल में हवा का रुख उत्तरी पूर्वी बना हुआ है। 5 मार्च को भी एक नए पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है और इसका असर जबलपुर, भोपाल और होशंगाबाद संभागों के मौसम पर पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करें तो बुधवार को प्रदेश में कई जगहों पर बारिश भी हुई है। सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल में बूंदाबांदी भी हुई है। इसकी वजह से इन्हीं जगहों पर हल्की ठंडक देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि आज भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम विभाग का अनुमान। मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी लगातार अपडेट्स के लिए बन रही है वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।